show that the square of any positive integer is either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer q. बहुत important question है और exemplar का भी और higher order thinking इसके लिए भी इस question को हम रख सकते हैं. ठीक है, question समझ लीजिए फिर से एक बार करेंगे. show कीजिए कि square of any positive integer, ठीक है, any positive integer का जो square होगा वो either 4q या 4q plus 1 के form में होगा for some integer q. देखिए, by Euclid's division lemma, we know that, हम क्या जानते हैं? Euclid's division lemma से जानते हैं कि A equals to BQ and plus R होता है. होता है ना? Where R is greater than equals to 0 and lesser than B. यह concept आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से clear है. अब देखिए, यहाँ पर आप इसी को इससे compare कीजिए, 4Q, 4Q plus R. तो दिख रहा होगा आपको, तो ले काम करेंगे, let B को हम क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे. ठीक है, b को 4 मान लेंगे, b को हम 2 भी यहां मान सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं भी पहले 4 मान करके करवा रहा हूं. तो a जो होगा this equals to 4q and plus r के फॉर्म में हो जाएगा. इस केस में रिमाइंडर जो होगा r is greater than equals to 0 and lesser than 4 हो गया. तो r is greater than equals to 0 lesser than 4 का मतलब ये हो गया कि 4 से छोटा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, तो 0 1 और क्या हो गया, 2 हो गया. ये तीन हमारे पास रिमाइंडर आ गए, एक तो 0, एक 1 और एक 2. अब ए हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, राइट. अब तीनों केस पे चेक करते हैं कि 4q 4q plus 1 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो पहले केस 1 में हम क्या करेंगे, r को 0 मान लेंगे, जो r हमारे पास 0 आया हुआ. अब देखिए यहां पर, देन a जो होगा दैट इज 4q plus 0 equals to 4q आ जाएगा. इसका मतलब हो गया कि a जो हो गया वो 4q आ गया. अब इसका स्क्वायर कह रहा है कि वो 4m 4q, ठीक है, 4q और 4q plus 1 के फॉर्म में आ गया. ठीक है, यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इस q के जगह पे m मान लीजिएगा और यहां भी 4m plus 1 मान लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको q के फॉर्म में यहां पे, अदरवाइज आपको यहां पे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने देखा नहीं तो आप इसको 4m और 4m plus 1 के फॉर्म में मान लीजिए. ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 16 q स्क्वायर आएगा. इसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर जो होगा वो 4 ब्रैकेट में 4q स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. तो ये किसके फॉर्म में आ गया, 4q स्क्वायर को अगर हम कोई इंटीजर m मान लें, तो देखिए इसका फॉर्म क्या आ गया, 4m के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया. यही चीज प्रूव करने के लिए मतलब पूछ रहा आपसे. अब अगर r को अगर हम 1 मान लें, ठीक है, यहां पे आपने देखा ना कि m और m के m plus 1 के फॉर्म में क्यों गया. जब यहां पे q लेंगे तो यहां पर q वाला टर्म नहीं आना चाहिए, आप उसको डिफरेंट कर लीजिए. ठीक है, अब r अगले केस में आ गया, तो इस केस में जो a होगा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 4q plus 1 होगा. अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर हमें चेक करना है, तो इसका स्क्वायर जो हो गया वो 4q plus 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये आपके पास 16q स्क्वायर plus 1 एंड प्लस क्या होगा, 8q होगा. ठीक है, अब ये काम करते हैं हम, 16q स्क्वायर एंड plus 8q एंड प्लस 1 लिख लेते हैं, इन दोनों में 4 कॉमन लेते हैं, तो 4q स्क्वायर एंड प्लस 2q आएगा एंड प्लस 1 आएगा. इसको अब हम क्या करते हैं, कोई इंटीजर m मान लेते हैं, तो ये क्या आपके पास आ गया, 4m plus 1 के फॉर्म में आ गया. तो आपने r 0 पे देखा, r 1 पे देखा, अब इसी तरीके से r 2 पे देख लीजिए. ठीक है, r आपने अगर 2 देखा, r 2 पे देखा, तो इस केस में देखिए जो a जो होगा वो 4q plus 2 होगा. ठीक है, जब भी आएगा याद रखिएगा 4m और 4m plus 1 के फॉर्म में ही आएगा. हमें चेक करना, देखिए यहां पर अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 4q plus 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये आपके पास 16q स्क्वायर आएगा, ये आपके पास 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16q आ गया ना. अब यहां पे देखिए, अब क्या कह रहा, अब इन सब में थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 16q स्क्वायर एंड plus 16q एंड plus 4 ले लेते हैं, इन सब में 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4q स्क्वायर एंड प्लस 4q एंड प्लस 1 आएगा. अब पूरे इस एक्सप्रेशन को अगर हम m मान लें, जहां पर m कोई इंटीजर है, देखिए फिर 4m के फॉर्म में आ गया. ठीक है, माने 4m आएगा या 4m प्लस 1 आएगा. चलिए एक अगले केस में और चेक कर लेते हैं. ठीक है, r इक्वल्स टू 3, जब r 3 पे लेंगे, देखिए वो भी फॉर्म इसी के तरीके से आएगा, या तो 4m आएगा या 4m प्लस 1 आएगा. तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 4q प्लस 3 आ गया. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a आएगा 4q प्लस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया. अब जब यहां पे हम देखेंगे
तो ये आपके पास देखिए 16 क्यूब ए स्क्वायर आ गया, ये आपके पास 9 आ गया, 4 थ्री जा 12 एंड 12 और 2 जा और 24 आ जाएगा, ये 24 क्यूब आ गया है ना। अभी आपके पास 16 क्यूब ए स्क्वायर एंड प्लस 24 क्यूब एंड 9 को हम लिख सकते हैं 8+1, ठीक है। अब देखिए इन सब में जो है 4 कॉमन है, तो ए आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4 क्यूब ए स्क्वायर एंड 6 क्यूब एंड 4 टू जाए 8+1। अब इसको कोई इंटीजर अगर हम एम मान लें तो चेक कीजिए, अभी फॉर्म क्या आ गया, 4m+1 के फॉर्म में आ गया। तो देखा आपने, ठीक है, कि अगर करेक्ट किसी भी शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो इधर ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+1 के फॉर्म में होगा। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते थे अगर हम बी को 2 मान लें, तो इतना लेंदी प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ता। उस केस में जब 2 मानते हैं तो आर का जो वैल्यू है 0 एंड 1 आता, और 0 एंड 1 पे ही ये कंडीशन प्रूव हो जाता। लेकिन आपको समझाने के पर्पज से मैंने यहाँ पे सारे कंडीशंस यूज करके आपको बताने का कोशिश किया है।